उत्तर प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जिस महागठबंधन की गाड़ी में सवार होकर बीजेपी के रथ को रोकना चाहती थी वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बुधवार को मायावती के दिल्ली आवास पे अखिलेश यादव और मायावती के बीच में लगभग 3 घंटे की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के दौरान जो खबर आ रही है अंदर से 37-37 सीटों का बंटवारा हुआ है, 3 सीटें आरएलडी के लिए छोड़ दी गई हैं और 1 निषाद पार्टी के लिए। कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखेगी? हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, माना जा रहा है कि 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है, उस दिन अखिलेश यादव और मायावती दोनों धूमधाम के साथ इस गठबंधन का ऐलान करेंगे, लेकिन इस महागठबंधन की जो तैयारी कांग्रेस के अंदर चल रही है उसको कांग्रेस किस तरह से ले रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि कांग्रेस को कोई कमजोर ना समझे, कांग्रेस अकेले भी अपने दम पे लड़ सकती है। सर, किस तरह से ले रही है इस पूरे प्रकरण को? देखिए, आज की जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है उसको समझने की आवश्यकता है। एक सभी पार्टियों के नेताओं ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया कि इस समय जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हम लोगों को बिखरना नहीं चाहिए, हमें अपनी जो शक्ति है उसको बांटना नहीं चाहिए, हम सामूहिक इकट्ठे होकर एक गठबंधन के बनकर सामने आए तो शायद प्रदर्शन जो है और अच्छा हो सकेगा, जो हम लोग निजी अपना जो भी प्रयास करके प्रदर्शन कर सकते हैं उससे और अच्छा होगा। एक निर्णय लिया, सब ने मिल के लिया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कहा कि हमारा काम नहीं बन रहा तो इसलिए हम जुड़ जाते हैं, आप जुड़ जाओ। सब ने एक दूरदर्शिता से एक संकल्प लेकर ये कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो पिछले 4-4.5 वर्षों में हमने इस देश में देखा है उसको हर हालत में समाप्त करना है। आगे क्या होगा, कैसे चलेंगे, क्या कुछ करेंगे, इन सब की रूपरेखा साथ मिल के बनाएंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो परिस्थितियां देश में हैं उसमें कुछ प्रांतों में लोगों के लिए कुछ कठिनाइयां होंगी, उनकी अपनी प्राथमिकता होंगी या उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। जहां ऐसा है इस पर भी सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि कहीं बातचीत हो रही है इसलिए आप घर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। बातचीत हो, सफल हो या सफल ना भी हो, काम तो करना ही है, मेहनत तो करनी है, तैयारी तो करनी है। तो कांग्रेस को सिर्फ संकेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह है कि आप अब जुट जाओ, निकल पड़ो, जुट जाओ, और जो कुछ हमने 3 प्रांतों में देखा है उस ऊर्जा को अपने अपने प्रांत में भी पहुंचाओ। ये हम कर रहे हैं। क्या सर, कांग्रेस अकेले जा रही है यूपी में, अकेले लड़ रही है सभी सीटों पे, 80 सीटों पे? ये आप मुझसे कहलवा दें तो फिर मेरे अध्यक्ष महोदय क्या कहेंगे? कुछ तो अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे, और वो जो निर्णय लेंगे उसके संकेत वो उचित समय पर देंगे। समय कम है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हमको बैठना नहीं है, हमें लगातार काम पे जुटे रहना है और तैयार रहना है किसी भी स्थिति में हम कैसे सामना करेंगे उसके लिए हमें तैयार रहना है। प्लान भी तैयार है सर? अगर प्लान बी तैयार है, प्लान सी तैयार है, और मैं आपको बता दूं तो फिर जिससे हमको लड़ाई लड़नी है वो सब समझ जाएगा। तो थोड़ा सा बीजेपी को भी हम इस उसमें कश्मकश में रखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इस कोशिश में है कि गठबंधन कहीं ना कहीं टूट जाए या कमज़ोर हो जाए, हम इस कोशिश में हैं कि उनको चारों तरफ से घेर लें। तो अब देखते हैं कौन ज़्यादा कामयाब रहता है। दिख रहा है, एक बात बड़ी स्पष्ट दिख रही है कि उन्होंने जो कुछ किया वो उनका उल्टा पड़ा है, और ऐसे ही होता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो इसलिए उस मुहावरे पर थोड़ा सा भरोसा करते हुए आगे हमारी कैसी लड़ाई होगी, कितने हम सफल होंगे, कैसे हम सफल होंगे, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सर, अगर बात करें, कुछ दिन पहले भी आपकी तरफ से एक ट्वीट आया था जो मीडिया की सुर्खियों में रहा था, कुछ इसी तरह का ट्वीट था, क्या था वो ट्वीट और आखिर क्यों बार बार कांग्रेस के हर नेता की तरफ से, चाहे वो अध्यक्ष हों कांग्रेस के चाहे बाकी नेता हों, वे बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपने दम पे आ सकती है और हमें कमजोर ना समझा जाए? भाई, अगर कोई कमजोर समझता है तो उसको बताना होगा कि कमजोर मत समझिए, अगर कोई कमजोर समझता है तो उसको ये बताना होगा। और कल को ये नहीं कहे कि आपने तो, अरे आप तो छुपे रुस्तम निकले, आपने तो हमें बताया नहीं था कि आपके पास ये सब कुछ चाल है,
और आपने आप चाल चल दी, हमको बता तो देते, हम आपके आपके मित्र हैं, हमको समझा देते, हमें बता देते। तो इसलिए हम तो कोशिश ये करते हैं कि हमारा संपर्क और जो हमारा लोगों के साथ जो भी डायलॉग है वो कहीं भी समाप्त ना हो, चलता रहे, हमारा संवाद जो है वो जारी रहे। और संवाद से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, सबके लिए निकलेगा, और पार्टियों के लिए भी उत्तर प्रदेश में निकलेगा और हमारे लिए भी निकलेगा, ये मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कहूँगा, अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं करनी है। एक आखिरी सवाल सर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गई थी, वहाँ भी वो निगोशिएशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे और अंततः कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला गया था, लेकिन उनकी शर्तों पे ही वो अलायंस हुआ था। इस बार कांग्रेस कोशिश करती रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो सटने का, हाथ मिलाने का नाम नहीं ले रही थी। उनका कहना था कि कांग्रेस बहुत ही एरोगेंट पार्टी है और उनको अपने तेवर बदलने चाहिए। एरोगेंट पार्टी है, क्यों ऐसा कोई कहता है? देखिए, ऐसा है, हर एक की एक इच्छा होती है कि हमको इस समझौते से या हमको इस संबंध से कुछ मिल जाए, हर एक की इच्छा होती है। और इच्छा अगर है लोगों की तो वो अच्छी बात है। सिर्फ जो आदमी जीवित नहीं होता, जो या जो जिस जीवित नहीं होती उसकी इच्छा नहीं होती, ना उसको भूख होती है ना उसको प्यास होती है, लेकिन जीवित संगठन जो है उसमें ऊर्जा होती है, उसको भूख होती है, प्यास होती है। सबको ये समझना है, हम लोग सब समझेंगे तो हम कामयाब रहेंगे, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसको जितनी अपेक्षा गठबंधन से है वो पूरी हो जाए बहुत अच्छा है, पूरी ना हो सके तो उसके क्या निर्णय होंगे वो भी अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम कमज़ोर ना कर पाएँ अपने आप को, कर दें अपने आप को ना गठबंधन को। मैं समझता हूँ सभी लोगों का ये संकल्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलमान खुर्शीद साहब थे। अगर कांग्रेस की बात करें तो 2009 में कांग्रेस अकेले अपने दम पे लड़ी थी और 21 सीटों को लाई थी। 2014 में मोदी लहर में दो सीटों पे सिमट के रह गई थी और अब 2019 की बात करें तो एक बार फिर कांग्रेस ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो सिनेरियो सामने आ रहा है, कांग्रेस अपने दम पे आगे बढ़ रही है, एकला चलो के साथ सभी 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। ईटी भारत चौधरी।